वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राशि गुप्ता, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, वर्किंग इन बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर. एज वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एंड वी वर डूइंग एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, वी विल टेक द कंसेप्ट ऑफ मोल ऑल्सो टूडे. नाउ आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स दैट हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर masses. Now the first example I am taking is sulfuric acid. In this case, how to calculate the molecular mass of sulfuric acid? In this case, we have to first see that how many atoms are there. So in this case, sulfuric acid, we have three atoms, that is hydrogen, sulfur and oxygen. First of all, we will take the number of atoms of hydrogen, that is 2, and we multiply it by its atomic mass, that is 2 multiplied by 1, plus we add the atomic mass of sulfur, then plus 4 times the atomic mass of oxygen. तो मैं आपको इसको फिर से समझाती हूँ कि हमने क्या करना है इसमें. हाइड्रोजन जो है वो 2 टाइम्स है, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय उसका एटॉमिक मास ले लेंगे जो 1 होता है, फिर उसमें ऐड करेंगे सल्फर का एटॉमिक मास व्हिच इज 32, फिर प्लस क्योंकि ऑक्सीजन 4 टाइम्स है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 व्हिच इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और फिर जब इसको ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 98 आ जाएगा. तो जो 98 ग्राम्स है वो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है C6H12O6 व्हिच इज ग्लूकोज. इन दिस केस 6 एटम्स कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के एंड 6 ऑक्सीजन के. तो सिमिलरली इसको किया 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 16, और इसका आंसर आ जाएगा 180 ग्राम्स. होप आपको पता चल रहा है कि कैसे मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करते हैं. एक और एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और उसमें ऐड करेंगे हम 2 टाइम्स द एटॉमिक मास ऑफ 16, और इसका आंसर है 44 ग्राम्स. इसी तरीके से बच्चे अब आप और एग्जांपल्स जो हैं वो करेंगे. नाउ नेक्स्ट एक और टर्म है जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, वो है फॉर्मूला मास. इट इज सिमिलर टू मॉलिक्यूलर मास ओनली, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, बट सिर्फ इसमें हमें यही बात याद रखनी है कि जब हम आयनिक सबस्टेंसेस की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो उसको हम एक मॉलिक्यूल नहीं ले सकते बिकॉज वो एक सिंगल एंटिटी नहीं होती है. तो इन दैट केस जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम फॉर्मूला मास लेते हैं, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम वन फॉर्मूला मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है विच इज एन आयनिक कंपाउंड, सो इन दिस केस वी विल से कि इसका हम फॉर्मूला मास निकालेंगे. और इसका फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे हम, NaCl इज इट्स फॉर्मूला. तो इसमें 2 एटम्स हैं सोडियम एंड क्लोरीन, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम लेंगे और उसमें ऐड करेंगे एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन व्हिच इज 23 प्लस 35.5, और आंसर आ जाएगा 58.5. इसी तरीके से आप पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, इनका भी फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं, और आप ट्राई करिए इनका फॉर्मूला मास निकालने की. और फॉर्मूला मास को भी अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम फॉर्मूला मास हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल NaCl के ही केस में जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, जब उसको हम ग्राम्स लगा देंगे साथ में तो वो हो जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास. नाउ नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द मोल कंसेप्ट. अब ये मोल कंसेप्ट क्या है, आपको पता है कि एटम्स जो हैं वो बहुत ही छोटी एंटिटीज हैं, और उसको काउंट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है. अगर हम एक बिल्कुल छोटा सा सबस्टेंस भी लेंगे उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो एक कन्वीनियंट स्केल जिससे हम काउंट कर सकें नंबर ऑफ एटम्स, उसको मोल माना गया है. जैसे कि अगर हमें डजन एक स्केल है, और डजन का मतलब होता है 12 एंटिटीज, या अगर एक स्केल और लिया जाता है स्कोर, स्कोर का मतलब होता है 20 आइटम्स, और एक स्केल होता है ग्रॉस जिसका मतलब होता है 144 आइटम्स. इसी तरीके से केमिस्ट्स जो हैं उन्होंने अपने लिए जो एंटिटीज हैं, जो स्मॉलर एंटिटीज हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उसके लिए जो स्केल लिया है दैट इज मोल, एंड दैट इज टू काउंट द माइक्रोस्कोपिक दीज सबस्टेंसेज लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड सो ऑन. तो मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ मोल इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022
14076 into 10 raised power 23 एलिमेंट्री एंटिटीज ऑफ द सबस्टेंस. और यहाँ पे ये जो नंबर है इसको हम राउंड ऑफ करके 6.022 into 10 raised power 23 ही बोलते हैं, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोज नंबर और एवोगैड्रोज कॉन्स्टेंट, एंड इट इज यूजली डिनोटेड बाय एन ए. फॉर एग्जाम्पल अगर अब हमने कैलकुलेट करना है या काउंट करने हैं कोई भी प्योर सबस्टेंस, तो हम बोलेंगे कि वन मोल ऑफ दैट सबस्टेंस, अगर उसको एटम के फॉर्म में ले रहे हैं तो हम बोलेंगे उसमें 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एटम्स हैं. और अगर हम कोई मॉलिक्यूलर सबस्टेंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वन मोल ऑफ दैट सबस्टेंस, मॉलिक्यूलर सबस्टेंस कंटेन्स दीज दिस एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नाउ नेक्स्ट आई विल शो यू दैट देयर आर थ्री डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मोल. तो हम वो वाली डेफिनेशन देखेंगे जो अलग अलग डेफिनेशन है मोल की. तो फर्स्ट डेफिनेशन जो है दैट इज रिलेटेड टू द मासेज, एटोमिक मासेज एंड मॉलिकुलर मासेज. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. तो इससे हम कैसे डिफाइन करेंगे मोल को? अ मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस विच हैज मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास इफ द सबस्टेंस इज एटॉमिक, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इफ द सबस्टेंस इज मॉलिक्यूलर. तो इसमें अगर हमें एक मोल किसी सबस्टेंस का निकालना है, मास निकालना है अगर एक मोल ऑफ सबस्टेंस का, तो उसका जो मास है अगर वो सबस्टेंस एटम है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर ही उसका जो वन मोल है वो होता है. और अगर वो सबस्टेंस मॉलिक्यूलर है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो उसका वन मोल होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे कि हमें वन मास जानना है वन मोल ऑफ वाटर का, तो जो वाटर है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम्स. तो इसका मतलब हुआ वन मोल ऑफ वाटर जो है वो 18 ग्राम्स के बराबर है. तो अगर आपको कोई बोले कि आप वन मोल ऑफ वाटर जो है वो लेकर आओ, उसका मास बताओ कितना, तो वो 18 ग्राम्स होगा. इसी तरह वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स, द मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू 12 ग्राम्स, एंड द मास ऑफ वन मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल है ये. ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का जो वन मोल है, ऑक्सीजन एटम का वन मोल 16 ग्राम्स के बराबर होगा, और वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो 32 ग्राम्स होगा. नाउ सेकेंड डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन जो मैंने अभी बताया भी आपको एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड है. तो ये कहती है एज पर दिस डेफिनेशन अ मोल इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट ऑफ सबस्टेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स इफ द सबस्टेंस इज एटॉमिक, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफ द सबस्टेंस इज मॉलिक्यूलर. तो इसमें हमें ये चीज समझनी है कि जो सबस्टेंस है वो एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर है. अगर सबस्टेंस एटॉमिक है तो हम उसको लेंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के बराबर, अगर वो मॉलिक्यूलर है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की अगर बात करेंगे तो वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज़ पावर 23 के बराबर होगा. Now the third definition जो related है gases के साथ, तो in case of gases a mole is defined as that amount of the gas which has a volume of 22.4 liters at STP. STP का मतलब है standard conditions of temperature and pressure. और वो आपको पता है क्या होती है standard condition of temperature and pressure? Standard conditions होती हैं कि जो temperature है it is 273 Kelvin and pressure 1 bar pressure. Then in this case अगर हमें बताना है कि one mole of carbon dioxide in terms of gases किसके बराबर है, तो ये 22.4 liters होगा at STP. Now there are two more definitions जो आपको पता होनी चाहिए, वो है molar mass और molar volume की. तो molar mass जो है वो क्या होता है, जब भी हम किसी भी सबस्टेंस का जो मास है वो ग्राम्स में लेंगे, वन मोल ऑफ अ सबस्टेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, ठीक है. और जो वॉल्यूम है वन मोल ऑफ अ सबस्टेंस का उसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं. तो मोल के कंसेप्ट में मोल हम ये टर्म्स बहुत यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास की जगह, क्योंकि हम जो मॉलिक्यूलर मास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही लेते हैं, तो जब उसको हम इस टर्म में लें तो उसी टर्म को हम मोलर मास करके लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम्स, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. अब लास्टली मैं आपको एक फ्लो चार्ट के साथ ये बताऊंगी कि मोल को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं. ये तीन डेफिनेशंस मैंने आपको अलग अलग दी हैं, तो कैसे हम याद कर सकते हैं कि मोल किसके बराबर है.
अगर हम इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वो याद रखना है कि पार्टिकल्स के टर्म में ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है, इट इज 6.022 × 10^23। फिर दूसरा है इन टर्म्स ऑफ मास, तो इन टर्म्स ऑफ मास जब हम देखेंगे तो वही आपने याद रखना है कि सबस्टेंस एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर है। तो अगर सबस्टेंस जो है वो एटॉमिक है तो उसके एटॉमिक मास के बराबर है, अगर सबस्टेंस जो है वो मॉलिक्यूलर है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, और इनफैक्ट अगर जो सबस्टेंस है उसमें हम आयनिक सबस्टेंस है तो वो उसका फॉर्मूला मास के बराबर होगा। एंड लास्टली इफ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो 1 मोल ऑफ एनी गैसियस सबस्टेंस इज इक्वल टू 22.5 liters of gas at STP, और इसी चीज को मोलर वॉल्यूम कहेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मोलर वॉल्यूम और मोलर मास के बारे में, इसको मोलर वॉल्यूम कहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, तो आप इस टॉपिक को, इन सबको नोट भी करिए और इसको लर्न करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मोल पे शेयर करूंगी। थैंक यू।